डियर फ्रेंड्स, आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मेरा मैं आज स्टेटिस का मैं फोर्थ लेक्चर लाया हूँ। जो फोर्थ लेक्चर आपका होगा, इसमें हम फोकस करेंगे परिसर, माध्य विचलन, मानक विचलन और प्रसरण, यानी कि वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और ये आपको होता है मीन डेविएशन, और जिसको इसको बोलते हैं डोमेन और रेंज। आपने पढ़ा होगा डोमेन एंड रेंज, यानी प्रांत और परिसर। ये आपका रेंज होता है परिसर, और डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा आपका प्रांत। ठीक है बेटा, जैसे पहला आपने देखो चार टाइप लिखे मिलके, आपको फर्स्ट टाइप पहले क्लियर करेंगे, फिर सेकेंड टाइप, फिर थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप। ठीक है, जैसे पहला टाइम दिया गया है पांच विद्यार्थियों का प्राप्तांक क्या दिया है, 40, 20, 70, 80 और 50, 40, 20, 70, 80 और 50 पांच विद्यार्थियों का प्राप्तांक दिया गया है। आपसे पूछ रहा है परिसर, परिसर यानी कि रेंज। जब आप रेंज निकालोगे तो इसका सिस्टम क्या होता है, मैं आपको सीधे बता रहा हूं। सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या देखो 80 और छोटी संख्या क्या है 20। देखो आप जो ये सीरीज दी गई है इसमें आप नोटिस करिएगा, सबसे बड़ी संख्या आपको 80 दी गई है और सबसे छोटी कितनी दी गई 20। 80 में 20 जाएगा तो जो ये 60 आया ये आपका परिसर होगा। ये क्या होगा, परिसर, यही आंसर। सिमिलरली देखो सेकेंड क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन आया उस टाइम में, तो आपका ये दो क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका परिसर जो एग्जाम में आएगा यूपी कैडेट के एग्जाम में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये दिया है 3, 6, 1, -1, -2, -12, 6, -8, 3, 6, 1, -2, -12, 6, -8, 3, 6, 1, -2, -12, 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 -
परिसर निकालने का सिस्टम क्या है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है माइनस का बारह, देखो जो माइनस संख्या है तो ये छोटी होगी, जो प्लस की संख्या होगी वो आपकी बड़ी होगी। प्लस में सबसे बड़ी संख्या क्या है, छह, माइनस छोटी संख्या। आप छोटे में आओगे तो माइनस, देखो आप इमेजिन करना समझिएगा चीज को, माइनस वन लिखा है, माइनस टू लिखा है, माइनस थ्री लिखा है, माइनस फोर लिखा है, मैं बोलूं इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो जब निगेटिव में होगी तो इसमें बड़ी संख्या माइनस वन है, और उसमें छोटी संख्या क्या होगी, इसमें छोटी संख्या होगी माइनस फोर। मैं कह रहा हूं सबसे छोटी संख्या, तो आपकी निगेटिव में जो जितनी संख्या बड़ी होगी, निगेटिव में जो नंबर सबसे बड़ा होगा माइनस में, ऋणात्मक में, वो आपका उतना ही सबसे छोटा होगा। आप देखो निगेटिव में यहाँ पे माइनस का 12 लिखा है, लिखा तो माइनस का 8 भी है, लेकिन माइनस के 8 से कम होगा माइनस का 12, तो छोटी संख्या होगी माइनस का 12। ठीक है, आप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 प्लस 12 यानी कि 18, ये आपका परिसर। ये मैंने आपको परिसर के ये दो टाइप के क्वेश्चन बताए हैं बेटा, इसको नोट करिए, नेक्स्ट में आपको माध्य विचलन के क्लियर करता हूँ। ठीक, आपको मैं प्रश्न, वो मैंने बता दिया परिसर, परिसर के बाद आपके ये जो तीनों दिए गए हैं ये आपस में रिलेटिव्स हैं, समझिएगा। जैसे कि आपको जो प्रसरण होता है, जैसे प्रसरण जो होगा, प्रसरण को इंग्लिश में बोलते हैं वेरियंस, वेरियंस क्या, वेरियंस, जो वेरियंस होगा वो इस मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन के वर्ग के इक्वल होगा। अब इससे एक चीज क्लियर हुई कि हम लोग मानक विचलन निकाल लेंगे तो प्रसरण आराम से निकाल सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद वेरिएंस निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अब इस क्वेश्चन को मैं तीनों निकालूंगा, मीन्स इन दोनों को मैं निकालूंगा, माध्य विचलन और मानक विचलन, इसको बोलते हैं मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। पहली चीज आपको निकालना हो, फर्स्ट क्या निकालना है इसमें, फाइंड इसमें दोनों निकाल लेना, माध्य विचलन और मानक विचलन ज्ञात करने हैं। पहला हम निकाल लें माध्य विचलन, माध्य विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के लिए, मीन्स यदि माध्य विचलन निकालो चाहे मानक विचलन निकालो, दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो मीन है वो तो फाइंड करना ही पड़ेगा। मीन कैसे निकालेंगे, माध्य निकालते हैं कुल पदों का योगफल, यानी 50 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 110 अपॉन में कितने नंबर, कुल पदों की संख्या, मीन्स माध्य बराबर कुल पदों का योगफल अपॉन में पदों की संख्या। आप इनको ऐड करेंगे, जब इनको ऐड करेंगे 200,
एंडेट यानी कि 270 में ये ऐड करेंगे तो आएगा 320/4, 4 4 4 4 32, 4 4 4 8 80, वो 32, तो आपका रिजल्ट आएगा 80। जो ये 80 आया है ये आपका माध्य है, माध्य कितना आ गया 80। यदि एग्जाम में पूछे कि माध्य ज्ञात करो इसका, कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, माध्य आ गया 80। अब पहली चीज यदि आपसे पूछे माध्य विचलन, बुक में तो बहुत कुछ दिया होता है, लैंडा बनाया है, कहीं डेल्टा बनाया है, कुछ नहीं, जो माध्य निकाला है वो बटे में पदों की संख्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 है कि नहीं, पदों की संख्या कितनी है, 4 है, 4 से भाग दे दो 20, ये आ गया आपका माध्य विचलन। बेटा ये क्या आ गया है, माध्य विचलन। समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं था, मैंने माध्य निकाला, माध्य के बाद माध्य विचलन कैसे निकालोगे, जो माध्य आएगा वो अपॉन पदों की संख्या, बुक में दिया गया है सिग्मा डेल्टा कुछ ऐसे कुछ दिया गया, डेल्टा या ऐसे बना हुआ है, अपॉन में पदों की संख्या सिग्मा एन, राइट, ये फॉर्मूला दिया है बुक में, कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बताया माध्य बटे में पदों की संख्या, पद कितने थे, 1 2 3 4, बटे में 4, ठीक। यदि यहाँ पे 5 है तो अपॉन में 5 आएगा, यहाँ 6 है तो अपॉन में 6, ये पद ये जो टर्म दिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये 10 दिए तो अपॉन में 10, वो आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड चीज, पहली चीज आ गई माध्य विचलन, ये आपको आगे होगा अच्छे से, माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, पहले माध्य निकालेंगे फिर माध्य बटे में पदों की संख्या, माध्य जो निकला 80 और कितने पद हैं, 1 2 3 4, बटे में पदों की संख्या काट दिया, कैंसिल आउट किया आंसर। अब सेकेंड पॉइंट ये है आपका, निकालना है मानक विचलन, मानक विचलन ये समझिएगा। वैसे तो मैं आपको एक लाइन बता सकता हूँ लेकिन अभी कुछ आप इसको नहीं समझिएगा कि कैसे करना है, माध्य विचलन मानक विचलन, मानक विचलन कैसे निकालते हैं, मैं आपको ग्राफिकल बता रहा हूँ। जैसे कि ये एक्स दिया गया है आपको, जो भी वैल्यू दी गई आपने मान ली 50 70 90 110, ठीक। इसके बाद आप निकालोगे मीन, क्या निकालोगे, मीन यानी कि माध्य, माध्य मैंने निकाला, माध्य दोनों में निकालना पड़ेगा, माध्य कितना आ गया 80, राइट। माध्य के बाद कुछ होता है इसको डी स्क्वायर बोलते हैं, डी स्क्वायर, बुक में डेल्टा दिया है कुछ भी दिया बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन है हमें समझना, समझने के लिए इसका मतलब ये होता है, पहले हम डी निकाल लें फिर उसके बाद डी स्क्वायर निकालेंगे, आपको प्रॉब्लम ना हो ना, ठीक। देखना बेटा डी क्या होगा, डी होगा कि 50 माइनस 80, 50 में 80 गया माइनस 30, कहीं कहीं मॉड में भी दिया गया है तो कंफ्यूजन मत करना, जब आप स्क्वायर करोगे तो वो ऑलरेडी प्लस में हो जाएगा, ये नहीं कि मॉड में है तो मॉड में लिखो, मॉड का मतलब होता है वो प्लस हो जाएगी चीज, और आप स्क्वायर कर रहे हो वर्ग करोगे यदि माइनस का भी है तब भी वो प्लस का होगा, ठीक है। 70 में 80 माइनस करेंगे तो -10, 90 में करेंगे लेस तो 10 और इसमें लेस करेंगे 20, राइट। इसका स्क्वायर करो 30 का स्क्वायर 900, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400। एनी प्रॉब्लम्स, ओके एक बार मैं चेक कर लूँ, राइट नहीं वो 110 से तुम 80 घटाओगे 30 बचेगा, 180 से वो 110 से घटाओगे 30 बचेगा, 30 का स्क्वायर 900, ठीक आया कि नहीं आया। अब क्या इनको जोड़ो, जब इनको जोड़ेंगे तो 9 9 18, और ये जोड़ोगे 2000, कितना आएगा 2000, इनको मैंने जोड़ दिया कितना आ गया 2000, ठीक। फिर मानक विचलन आपका होगा, मानक विचलन क्या होगा ये समझना बेटा। कहीं गया होता है अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एन, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका मैं मतलब बताऊंगा अभी इसके बाद। सिग्मा डी स्क्वायर था, इसका योगफल कितना आया 2000 आया, अंडर रूट में एन, एन क्या होगा पदों की संख्या, पद कितने हैं 1 2 3 4, बता चुका हूं मैं पद कितने, 1 2 3 4, 4 राइट, 4 5 20 काट दो तो रूट में आएगा बेटा 500, राइट। अब देखो 500 आने के बाद यदि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो भाग विधि से निकालेंगे, भाग विधि से मैं आपको बता चुका हूँ, या आपके पास एग्जाम में लो, एग्जाम में आप सॉल्व कर दो, एग्जाम में आपके पास करते करते कोई टाइम नहीं बचा, टाइम ना हो तो कुछ चीजें माइंड में सेट करना, किसी 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, राइट, 21 का स्क्वायर क्या होगा 441,
और फिर 22 के स्क्वायर पे आओगे तो कम से कम जैसे कुछ 484 ऐसे कुछ होगा, यानी कि 22 पॉइंट समथिंग आंसर होगा एग्जाम में, एग्जाम में करने, क्योंकि 20 मीन्स 484 से ज़्यादा दिया नहीं दिया गया है, इसलिए कुछ चीज़ें हम लोग को मीन्स गेस भी करनी पड़ती हैं। लेकिन नहीं, यदि आपको पूरा मिथिन वही मैथड से लगाना है तो मैथड ये है, 500 दिया गया, इसका भाग विधि करो, ये 00, ये ठीक, ये 2 जा 4, ये 1, ये 00, नोट कर दिया मैंने भाग विधि था, ये 2 ऐड करोगे 2 2 4, राइट। फिर एक अक्षर में दो, 2 4 2 8, दो बार जा रहा है तो 2 यहाँ लिखो, 2 यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई करो 84, 2 2 4, 2 2 4 8, घटाओगे तो 16, पॉइंट लगाओगे तो 00, पॉइंट के बाद इसमें 00 बढ़ते हैं, ठीक, 2 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 4 और 4। फिर यहाँ पे एक अक्षर मुंडो 44 का भाग दो, लगभग ज़्यादा है, 4 बार ज़्यादा मेरे हिसाब से, 4 चौको 16, 4 या 3 बार ज़्यादा है, कितनी बार ज़्यादा है मैं चेक कर लूँगा, 3 बार ज़्यादा है, 4 चौको 16 यानी 160 से ऊपर होगा, 3 बार, 3 ये और ये भी 3, 3 3 का 9, 3 चौको 12, 2 से लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13, हमें चेक करना पड़ता है। यदि आप 4 यहाँ लिखोगे तो 4 यहाँ भी लिखोगे, फिर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1600 से ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी कि इसका जो आंसर आएगा 22.3 अप्रॉक्सीमेट, ठीक। ये तो आपका वो मेथड हो गया कि जैसे लगाया जाता है कि आपको एग्जाम में मिल गया क्वेश्चन तो आपने ये सीरीज बनाई, ये फलाना टिकाना, जैसे कि घटाया घटा के इसका स्क्वायर किया, ये सब है। आप इसको कैसे करना एग्जाम में, जो बच्चे ये यूपी क्रेडिट के बच्चे देख रहे हैं वो लोग इस चीज को नोटिस करिएगा। एग्जाम में आया आपको कि 50, 70, 90, 110 का मानक विचलन ज्ञात करें। मानक विचलन के पहले आप माध्य तो सब में निकालोगे, आपने माध्य निकाला और माध्य कितना आया, 80 आया कि नहीं आया, 80 आया कि नहीं आया, सीधे यहां पर लिखना मानक विचलन, क्या लिखोगे, मानक विचलन, क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट में, अंडर रूट में 80, ये लिखा है 50 में 80 घटाओ, 50 में 80 घटाओ तो आपका, मैं दिखा रहा हूं, 50 माइनस 80 करो तो आपका आएगा -30, आया नहीं आया, सीधे -30 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक लाइन में करो, आप इतना लंबा कर देंगे कोई जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में जितनी जल्दी लगाओगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। 70 माइनस 80 करो तो माइनस का 10 और उसका भी स्क्वायर, 90 माइनस 80 यानी बचेगा प्लस का 10, इसका भी स्क्वायर, और ये माइनस ये करेंगे तो बचेगा प्लस का 30 और इसका स्क्वायर, और 1 2 3 4 कुल पद कितने हैं, 4, ठीक है। अंडर रूट में 30 का स्क्वायर 900, 10 का स्क्वायर 100, माइनस का भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस का जब वर्ग करेंगे स्क्वायर करेंगे वो ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर 100 और 30 का स्क्वायर 900/4, ऐड करेंगे भाई 2000/4 कैंसिल करेंगे, आएगा रूट में 500 और रूट में 500 की वैल्यू निकालना, मैंने अभी आपको बताया 22.3, देखिए कितनी जल्दी आपका लग गया, लगा नहीं लगा, चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं आपको और क्वेश्चन बताऊं। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, मैं लाया हूँ एक स्कूल के स्टूडेंट्स का मानक विचलन, स्टूडेंट्स का मानक विचलन क्या दिया है, मानक विचलन दिया गया है बेटा 8, ठीक है। हमें निकालना प्रसरण, तो प्रसरण निकालना है, प्रसरण का मैंने अभी बताया था कि वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन का होल स्क्वायर, मानक विचलन कितना बेटा 8, 8 का स्क्वायर करो 64 आंसर, ये आपका प्रसरण का आंसर आ गया, प्रसरण इज इक्वल टू मानक विचलन का होल स्क्वायर, राइट। सेकेंड देखिए, इसका मानक विचलन निकालना है तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले इसका क्या निकालेंगे, मीन, मीन मतलब कि माध्य, माध्य जब निकालेंगे माध्य क्या होता है बेटा, कुल पदों का योगफल, यानी कि 5 + 8 + 12 + 14 + 16 अपॉन में पदों की संख्या 1 2 3 4 5, राइट, हम इनको जो वही ऐड करिए, जोड़ेंगे 30 42 और ये 50 5 55 55/5 कैंसिल आउट 11 11, ठीक, ये हम लोग का माध्य आ गया। फिर एक लाइन में, एक लाइन में जब करना है तो कैसे करेंगे, मानक विचलन, मानक विचलन अंडर रूट लगाना, 5 - 11 पहले टर्म से घटाओ, 5 - 11 यानी कि आएगा -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे 36, नहीं समझे, 5 - 11 किया, 5 - 11 करोगे आएगा -6, स्क्वायर करोगे वर्ग करोगे 36,
आठ माइनस ग्यारह आएगा माइनस तीन, माइनस तीन का स्क्वायर करेंगे नाइन, बारह माइनस ग्यारह वन, वन का स्क्वायर वन, चौदह माइनस ग्यारह थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन, सोलह माइनस ग्यारह यानी फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, पांच का स्क्वायर पच्चीस, बटे में पदों की संख्या कितनी है पांच, राइट। ये फॉर्मूला है, मैं बता चुका हूँ से पहले, जोड़ेंगे इनको छत्तीस नौ पैंतालीस, पैंतालीस और ये दस पच पैंतालीस दस पचपन, पचपन और पच्चीस साठ, अस्सी, अस्सी हो जाएगा अंडर रूट में, अस्सी के बटे में पाँच, पाँच से काटेंगे पाँच कम पाँच, तीन जीरो पाँच छत्तीस, सोलह, सोलह का वर्गमूल लेंगे तो आएगा चार, ये आपका मानक विचलन, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। बहुत इजी है मेरे हिसाब से, अब इसको लगा लेना, मैं नहीं बताऊंगा, इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले निकालोगे मीन, माध्य, कुल पदों का योगफल अपॉन पदों की संख्या, वो भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे ट्रिक लगाओगे, ट्रिक क्या है कि देखो सबके बीच गैपिंग इक्वल है कि नहीं, जब गैपिंग इक्वल है, हमने कहा था आपसे माध्य निकालना बहुत ईजी है, याद करो मैंने कहा था कि एक दो तीन चार डॉट डॉट हमने कर दिया पच्चीस, क्या एक से लेके पच्चीस तो तुम संख्या जोड़ोगे क्या, नहीं जोड़ पाओगे। जब गैपिंग इक्वल हो तो एक शॉर्ट ट्रिक याद करो, लास्ट टर्म्स प्लस फर्स्ट टर्म्स, नहीं फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म्स बटे में टू, जिसको हम बोलते हैं समांतर माध, अर्थमेटिक मीन, ए प्लस बी बाई टू, राइट। तो अब इनको जोड़ेंगे छब्बीस बटे दो, इसका समांतर माध या इसका माध्य बोलो तो तेरह आ गया। तो वही चीज है कि इसका माध्य निकालना बहुत ईजी है, एक लाइन में कैसे निकालोगे, एक लाइन में कोई बोले माध्य तो पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे में दो, छह बटे दो तीन, या कोई क्या विधि विधान से लगाओ तो विधि विधान से क्या करोगे, जोड़ोगे पांच चार नौ, नौ नौ छ पंद्रह एक सोलह, देखो पांच चार नौ, नौ तीन बारह, तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह बटे में पदों संख्या एक दो तीन चार पांच, काट दोगे तीन तब भी आएगा वही तीन, ठीक है। आपने मीन निकाल दिया, माध्य निकाल दिया, इसके बाद मानक विचलन निकालोगे, मानक विचलन अंडर रूट में इनके बीच गैपिंग, अब कर लेना बेटा कुछ लगाइए आप लोग भी, कि वन माइनस थ्री उसका स्क्वायर टू माइनस थ्री उसका स्क्वायर थ्री माइनस थ्री उसका स्क्वायर फोर माइनस थ्री उसका स्क्वायर फाइव माइनस थ्री उसका स्क्वायर अपॉन में पदों की संख्या एक दो तीन चार पाँच, देखिएगा सिंप्लीफाई करिएगा आंसर, ठीक। निकालना है विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक का कोएफिशिएंट ऑफ वेरियंस, विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये है कि मानक विचलन बटे में माध्य इंटू हैंडर्ड, राइट। मानक विचलन इंटू वही हैंडर्ड अपॉन में माध्य, जो भी निकलेगा परसेंटेज में आएगा हम लोग का। मानक विचलन कितना दिया गया है 12, माध्य कितना है 25 इंटू हैंडर्ड, 25 चौको 100, 12 चौको 48, 848 परसेंटेज, ये आपका आ गया विचलन गुणांक, ठीक है बेटा। एक चीज करिएगा कि चलिए मैं आपको दो, मैं इसे बता दे रहा हूँ, मैं याद आप कर दे रहा हूँ इसको, एक दो फॉर्मूले हैं वो मुझे बताने वो जरूरी है आपके लिए, स्पेशल मैं लाया हूँ क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सीधा सीधा पढ़ा है, अब क्या है जब वही समय बदल चुका है, अब एग्जाम में तो उल्टा पुल्टा आ जाए, तो उल्टा पुल्टा आएगा तब कैसे करोगे। एक नया फॉर्मूला सभी यूपी कैडेट बच्चों के लिए, मोड इज इक्वल टू यानी कि बहुलक इज इक्वल टू मीन माइनस का थ्री, मीन माइनस का मीडियन, मीन माइनस का मीडियन, राइट। इसका मतलब बहुलक इज इक्वल टू माध्य माइनस का थ्री, माध्य माइनस मध्य का, ये आपके लिए नया फॉर्मूला है, आपसे पूछे इनके भी संबंध है, आपने एक तो पढ़ा हुआ फॉर्मूला पहले वाला, वो एग्जाम में ना दिया हो आपको ये की बहनों, तो आपको ये हमने पढ़ा ही नहीं है, तो ये भी रिलेशन है मध्यका बहुलक इनके बीच। ये एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में ऐसे आएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको दिया गया है कि कोई बंटन के नियम से इनका बहुलक, बहुलक दिया होगा, बहुलक आपको दिया गया है 12 व माध्य व बहुलक का अंतर, माध्य सॉरी माध्य व मध्यका का अंतर, माध्य व मध्यका का अंतर, माध्य व मध्यका का अंतर, यानी कि माध्य व मध्यका का अंतर, अंतर का मतलब होता है मीन वही माइनस का मीडियन, और उसकी वैल्यू गिवेन है आपको, और उसकी वैल्यू गिवेन है आपको 12, क्या गिवेन है 12, राइट। आपसे मीन की वैल्यू पूछ रहा है कि आप इसका माध्य
ज्ञात करो, फॉर्मूले में रखिए मोड, मोड की वैल्यू क्या है, बहुलक कितना दिया गया 12, फिर मीन निकालना ही हम लोग को -3, और जो इनके बीच का अंतर है वो कितना दिया गया है 12, 12 3 36, 12 इक्वल टू एम माइनस का 36, 36 आगे यहाँ माइनस का प्लस का हो जाएगा तो मीन आपका निकलेगा आपका 48, राइट आंसर। ये पहला रिलेशन है, ऐसे ही आपका दूसरा रिलेशन है, उसमें मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, नोट कर लेना, एग्जाम में बाय द वे आ जाए तो आपको करना जरूरी है। ये माद और मदिका के अंतर के लिए है, ठीक है। एक इसमें पड़ता है मोड इज इक्वल टू मीडियन -2/3, मीन माइनस का मीडियन, ये भी रिलेशन है, मीन माइनस का मीडियन। यहां पे आपका जो क्या था, यहां पे मीन था, यहां पे क्या हुआ मीडियन हुआ, यानी इसको हम बोलेंगे बहुलक इज इक्वल टू मीडियन यानी कि मध्यिका माइनस का 2/3 ब्रैकेट के बाहर है, अंदर है माध्य माइनस का मध्यिका, ठीक है बेटा। ये आपका स्टैटिस्टिक्स का लगभग मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा उसमें मैं आपको कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम की चीजें वो बताऊंगा। फिर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि जो बच्चे यूपी कैडेट के एग्जाम देने वाले हैं और सर्वोत्तम से जुड़े हुए हैं वो स्टेटिस्टिक्स के सारे क्वेश्चन लगाइए। देखो बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे नहीं, आपके छोटे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आप लगाइएगा। आपको क्वेश्चन ना आए, आप सर्वोत्तम के जो भी नंबर आपके पास है, चाहे विनीत सर का हो चाहे कन्हैया सर का हो, उस पर व्हाट्सएप करिएगा। मैं आपको जो प्रीवियस मीन्स नेक्स्ट लेक्चर होगा सारे क्वेश्चन पहले बताऊंगा, उसके बाद कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, कुछ लैंग्वेजेस वाले चीजें हैं वो मैं सब आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए बेटा इसको नोट करिए, आज इतना ही रहेगा।